हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेट्रो इलेक्ट्रो। आज कुछ कमेंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि बहुत कमेंट है जो रिपीटेडली आ रहा है, तो मैं सोचा है वो कमेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करना जरूरी है। तो पहला एक कमेंट किया है, ईपोन से जीपोन कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है। देखिए, अभी तो ईपोन चल रहा है मार्केट में, लाइन पे भी ईपोन चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू आएगा एक से दो साल बाद, अभी भी वही न्यू नहीं मिल रहा है मार्केट पे। हमारे इधर पे मार्केट में मैक्सिमम अभी भी एक्सपोन मिल रहा है, वही न्यू थोड़ा धीरे धीरे करके मार्केट से जा रहा है, ठीक है। तो प्रिकॉशन ये आप लेंगे, अभी जो आप ओएनयू यूज कर रहे हैं ना, टोटल बंद कर दीजिए, ठीक है। आप एक्सपोन यूज कर लीजिए। तो एक्सपोन यूज करने के बाद क्या होगा, आप एक्सपोन यूज करने के बाद आप ईपोन में भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक साल दो साल बाद जब आप जीपोन में कन्वर्ट करेंगे तो जीपोन में भी वीए एक्सपोन सपोर्ट करेगा। आप ओएनयू आप यूज करेंगे तो क्या है ना, दो साल के बाद ओएनयू प्लस जीपोन, ठीक है, दोनों एक साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि दो तीन साल के बाद ना, दो तीन साल भी नहीं, दो से ढाई साल के बाद अब एक्सपोन नहीं मिलेगा मार्केट में, ओएनयू नहीं मिलेगा मार्केट में। अभी भी ओएनयू थोड़ा मार्केट से जा रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है। एक्सपोन भी दो ढाई साल के बाद में वो भी मार्केट में टाटा बाय बाय कर देगा, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं तो एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ तो हफ्ता में एक और दो कस्टमर मैंने ऑपरेटर को अपग्रेड करके आता हूँ, मैंने ईपोन से जीपोन। तो मतलब ऐसा ही करूँगा तो दो ढाई साल के बाद ओएनयू और एक्सपोन का डिमांड में भी नहीं रहेगा, कंपनी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ओएनयू टोटली आपको छोड़ देना है। ओएनयू आप जो कस्टमर को आप रिप्लेस करेंगे, जो ओएनयू खराब हो गया है जो रिप्लेस करेंगे, वो पूरा एक्सपोन में रिप्लेस करना जरूरी है। और एक प्रॉब्लम है, एक्सपोन पे दो टाइप मिलता है, एक्सपोन ओएनयू और एक्सपोन ओएनटी। तो आपको आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको फर्स्ट अभी जो प्रायोरिटी है ईपोन चलाना है, लेकिन आपका जो प्रायोरिटी है जीपोन चलाने के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए। तो आप फ्यूचर आप सोचेंगे तो आपको एक्सपोन ओएनयू नहीं खरीदना है, आपका खरीदना है एक्सपोन ओएनटी, ठीक है। क्योंकि ईपोन में क्या होता है ना, जितने सारे आप कंपनी आप कनेक्ट करेंगे, सारे के सारे कनेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, आराम से चलेगा। मतलब वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, लेकिन जीपोन इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। जीपोन में क्या क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम आपको वो डिफॉल्ट भी मिलता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आप कमेंट मार के आप कॉन्फिगर करके आप प्लग इन प्ले कर सकते हैं, लेकिन तब भी दिक्कत आता है, ठीक है। ईपोन जैसे यूजर फ्रेंडली है, जीपोन इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो जीपोन में क्या होता है, जीपोन में कुछ पर्टिकुलर कंपनी होता है, जो वो कंपनी नहीं लेंगे तो वो कंपनी सपोर्ट करेगा। वो कंपनी का फार्मर ये है, जो वो बहुत ही ओल्ड वाला फार्मर है, वो नहीं सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ लोचा है जीपोन में, ठीक है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। दो हफ्ता पहले मैं एक ऑपरेटर ईपोन से जीपोन कन्वर्ट करेगा, तो मैं गया था इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो वो ऑपरेटर क्या फाइव टाइप्स ऑफ एक्सपोन वो खरीदा था, ठीक है। और थ्री हंड्रेड उनका कस्टमर था है, ठीक है। तो वो फाइव टाइप्स का कस्टमर मतलब कंपनी का वो एक्सपोन वो खरीदा है, एक एक टाइम पे, लॉकडाउन टाइम पे ऐसा खरीदा है। लेकिन मैं जब लाइन ईपोन से जब जीपोन में कन्वर्ट किया है, जब मैं लाइन चालू किया है, उसके बाद फोन आना शुरू हो गया कस्टमर ऑपरेटर को। क्यों, क्या है प्रॉब्लम, ये है जो कुछ कुछ कस्टमर का ये रजिस्टर नहीं हो रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो मैं नोटिस किया है पर्टिकुलर कुछ कंपनी है जो कंपनी सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और पर्टिकुलर कुछ कुछ कंपनी है जो कंपनी ओल्ड फार्मवेयर है, तो इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे। और एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कंपनी सपोर्ट नहीं कर रहा है जीपोन में, ठीक है। ये सब लुचा है। तो
तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, जो कंपनी आप एक्सपोर्ट आप लेंगे तो सेम कंपनी आप लेना आपको जरूरी है। दो तीन चार पांच कंपनी आप नहीं लेगा, आप देखिए 50 रुपया, और जो ये कितना दाम है 1100 रुपया, और वो कंपनी 1200 रुपया, ओह ज्यादा हो गया, ठीक है नहीं लूंगा 1100 रुपया, जो जो कंपनी है वो आप दे दीजिए। एक महीने दो महीने के बाद फिर से, और नहीं 1000 रुपया है वो दूसरा कंपनी 1000 रुपया दे रहा है, ऐसा करके कर करके ना आपके आपके पास में ना 5 5 6 ऐसा टाइप्स का एक्सपोन आ जाएगा, उसके बाद आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो वो जो कंपनी है, वो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का 90% ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 10% का मतलब लगभग है 30 30 एक्सपोन उनको चेंज करना, चेंज करना ही होगा उनको, और किया है तो मतलब 36,000 उनका खर्चा हुआ था। तो इसीलिए बोल रहा था जो अभी 50 50 रुपीज 100 रुपीज के लिए आप ऐसा मत कीजिए, जो ये लिंग ये नहीं, ये उसका दाम ज्यादा है, वो नहीं वो उसका दाम ज्यादा है, आप ये सोच लीजिए जो कौन सा एक्सपोर्ट का दाम सबसे कम है वो आप ले लीजिए। लेने के बाद 2 साल के बाद जब आप इपोन से जीपोन कन्वर्ट करेंगे ना, तो उस टाइम पे जो कंपनी आपका ज्यादा है, ज्यादा एक्सपोन आप लिया है, वो एक्सपोन आप खरीदेंगे तो आपका 100% लाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं आएगा। लेकिन वो एक प्रॉब्लम, वो एक तरीका है, जो एक्सपोन ओएनटी वाला आप लेंगे, एक्सपोन ओएनयू वाला नहीं है, आप जो कंपनी में आप ये लेंगे, आप खरीद ले के लिए जाएंगे, वो कंपनी को आप बोल देंगे जो एक्सपोन ओएनटी चाहिए, एक्सपोन ओएनयू हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोन ओएनटी क्या ना जीपोन में इतना लोचा नहीं करता है जो, ठीक है तो अदर सब बहुत कुछ प्रॉब्लम करता है, इसीलिए बोल रहे ईपोन ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, जीपोन इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, रजिस्टर में गड़बड़ होता है। ठीक है, जिस ऑपरेटर का नहीं होता है तो नहीं होता, ठीक है, जिसको एक बार गड़बड़ होना शुरू कर देना बस हो गया। ठीक है, तो और एक कमेंट आया है जो सर ईपोन कब लेना है और जीपोन कब लेना है, ईपोन क्यों लूंगा और जीपोन भी क्यों 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 लेना है, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों लेना है ईपोन और जीपोन। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो जो कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ जो कंपनी में, और जो जो कस्टमर ऑपरेटर को हम जो सपोर्ट करता हूँ ना, बहुत कुछ सारे प्रॉब्लम आता है। एक ऑपरेटर का प्रॉब्लम आया है जो देखिए ना 24 आवर में ना आवर्स में एक दो बार मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम, जे कभी बहुत टाइम आउट होता है, लेटेंसी हाई हो जाता है, तो देखा उनके कस्टमर क्या है 20 200 प्लस है, और क्या कौन सा कंपनी है, कौन सा ओएलटी यूज कर रहा है, इपोन ओएलटी 4 पोर्ट का यूज कर रहे हैं। तो मतलब जब जिस टाइम पे बैंडविड्थ ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वो वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बहुत ऑपरेटर का ये प्रॉब्लम है, बहुत ऑपरेटर का। ठीक है, ये सेम मैं जो प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, 24 आवर्स में एक बार ना एक बार उसको रिस्टार्ट करना ही पड़ता है। रिस्टार्ट करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो कैश मेमोरी जो होता है ना वो रिलीज हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है 7 8 घंटा के लिए या 10 घंटा के लिए, उसके बाद फिर से कैश मेमोरी जब फुल फुल हो जाता है, बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ जाता है, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर से काम शुरू हो जाता है। तो अब ये दिमाग में सोच में रखा है, रखेंगे जब 150 का ऊपर जब कस्टमर हो जाएगा ना, आपका 4 पोर्ट का ईपोन आपका काम करना बंद कर देगा, मतलब धीरे धीरे वो ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, टाइम आउट होगा, लेटेंसी होगा, ज्यादा होगा, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये भी आप पूछ सकते हैं, जो पार पोर्ट में थे 64 है ना, 64 64 128 128 5 तो बहुत ज्यादा है 4 पोर्ट में, लेकिन आप बोल रहे हैं 150 कस्टमर। एक्चुअली थ्योरी में ना बहुत बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब प्रैक्टिकल में आप आ जाएंगे ना, बहुत अंतर होता है थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरी में चल जाएगा वो, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत दिक्कत होता है। अभी हमारे इधर पे तो कस्टमर मैक्सिमम कितना बैंड हुई थे, मिनिमम 35 बैंड हुई थे। ठीक है, अभी भी थे, अभी भी ईपोन में थे, चलेगा चल रहा है,
लेकिन जब वो 100 Mbps 200 Mbps ऐसा कुछ मिनिमम हो जाएगा ना, दिक्कत शुरू हो जाएगा तब। ठीक है, तो 200 के ऊपर जब आपका कस्टमर हो जाएगा तो उसके बाद आप जीपोन लेने के लिए सोचिए, तो उस टाइम पे आप जीपोन लेने का, उस टाइम पे जीपोन आपको लेना जरूरी है। और एक कमेंट आया जो कौन सा ओएलटी अच्छा है मार्केट में अभी भी चल रहा है। देखिए एक एक जगह पे ना एक एक कंपनी अच्छा मार्केट कर रहा है। अभी भी हमारे इधर पे जो कोलकाता में अभी भी जो मार्केट कर रहा है वो जेनेसिक्स, नेटलिंक और क्या साइरोटेक चल रहा है। अभी भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है साइरोटेक में, लेकिन कुछ कुछ सीरीज होता है ना, सब कंपनी में दिक्कत आता है। ठीक है, ऑप्टिलिंक भी चल रहा है लेकिन ज़्यादा हमारा कंपनी में जेनेसिक्स से ज़्यादा चलता है। तो जेनेसिक्स में इवन हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग होता है। जेनेसिक्स में एक्चुअली वेव सबसे बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, नेटलिंक में थोड़ा जेनेसिक्स में प्राइस कम है, नेटलिंक भी अच्छा चल रहा है। अभी जीपोन लेना सोचेंगे तो आप जेनेसिक्स ट्राई कर सकते हैं, बट ये नहीं है मैं बोल रहा वो नहीं है, जेनेसिक्स ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, वो अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, नेटलिंक भी अच्छा है, चल रहा है मार्केट, अच्छा चल रहा है। साइरोटेक में जो हाले दो तीन प्रॉब्लम मिला है, जब इंस्टॉल करने के लिए गया था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मिला है, तो इसीलिए रिटर्न करना पड़ा दो तीन प्रोडक्ट ऐसा है। तो इसलिए वो दो तीन प्रोडक्ट के लिए बात ये नहीं है साइरोटेक खराब है, साइरोटेक अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये सीरीज हालांकि ये सीरीज खराब है इसीलिए रिटर्न करना पड़ा। तो ये था मेरा वीडियो, वो एक्चुअली कमेंट दो तीन कमेंट मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगा तो इसीलिए मैं शेयर किया है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो बहुत दिन बाद फिर से और एक वीडियो डाला है, तो मेरा बैकग्राउंड को देख कर अब पता चल गया। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं दूसरा जगह पर था तो मैं ये जगह पर आया है, मैं एक्चुअली मेरा घर पर आया तो इसीलिए थोड़ा लेट हुआ है वीडियो डालने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं एक प्रैक्टिकल ले दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक बाय।